बड़ी खबर आ रही है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां अयोध्या को लेकर प्रमोद तिवारी का आया बड़ा बयान। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां श्री राम वंशजों के अपमान पर राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता की तीखी प्रतिक्रिया। अवध क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की पीड़ा, बोले प्रमोद तिवारी बीजेपी के इशारे पर अयोध्या के भगवान वंशजों को गाली आस्था का अपमान। मीडिया के बड़े चैनल पर राज्यसभा के उपनेता ने पीड़ा भरी दी तल्ख प्रतिक्रिया। यह थी इस वक्त की बड़ी खबर। बहुत दुखी मन से, पीड़ा के साथ, अवध क्षेत्र का रहने वाले होने के नाते, जिस तरीके से अयोध्या वासियों को भारतीय जनता पार्टी सरकार के संगठनों के इशारे पर उनको गाली दी जा रही है, सोशल मीडिया पे जिस तरह उनकी आलोचना की जा रही है, जिस तरीके से वहाँ का वातावरण बना के अयोध्या के वासियों का अपमान किया जा रहा है, उससे मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। ये ना भूलें कि अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया था, जन्मभूमि वही है, मंदिर उनके वहीं बना है। और ये जो आज अयोध्या के वासी हैं, ये तत्कालीन भगवान राम के राज में अयोध्या राज के उन्हीं के वंशज हैं। भगवान राम के वंशजों को जिस तरह गाली दी जा रही है, जिस तरह सोशल मीडिया पे अपमान किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वहां से भाजपा के उम्मीदवार को हरा दिया, लल्लू सिंह हार गए, तो एक चीज साफ करना चाहता हूं मैं, हारे क्यों इस पर तो विचार करो। आप मंदिर आस्था का बस है, भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक है, हमारे भगवान हैं, हम उनके पुजारी हैं। और चूंकि भाजपा ने उनका व्यापार किया, उनकी व्यापारी है, वो भगवान राम को मंदिर से उठा के ले जाके बैलेट बॉक्स पे रख रहे हैं, चुनाव में कह रहे हैं कि हमने मंदिर बनवाया है, हम उनको लाएंगे जिन्होंने जो राम को लाए हैं। किसकी औकात है जो भगवान राम को लाएगा? भगवान राम तो अवतरित हुए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, यही नाराजगी, यही गुस्सा लोगों में था कि भगवान राम को आस्था का विषय होना चाहिए, राजनीति का नहीं। इसीलिए गाली जो दी जा रही है, मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं, और हम अयोध्या की भावनाओं के साथ हैं।